हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयरन केमिस्ट्री की पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये क्वेश्चन की जो दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये दिसंबर जो है आपका 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और पार्ट सी का क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। ठीक, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, वो क्या था वो हमें समझना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन हेक्सेनोन दिया हुआ था, उसके बाद एलडीए, फिर एलाइलिक ब्रोमाइड था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसका मैग्नीशियम देख रहे हैं क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या है आपका सी डबल बॉन्ड है, और उसके बाद क्या है एलडीए। तो एलडीए क्या होगा, एक बेस है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिथियम डाइसोप्रोपाइल एमाइड बोलेंगे। और यह स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होगा, बेस का काम होता है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें एलडीए का, तो यहाँ पे कह सकते हैं डाई आइसोप्रोपाइल, ठीक है, एमाइड होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डाई आइसोप्रोपाइल हो गया, और उसके बाद लिथियम, ठीक है, तो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड होगा, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। अब यहाँ से बात करें तो यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कहाँ पर एसडी का। तो ये जो हाइड्रोजन है ये देख रहे हैं आपका एसडी का, क्यों, क्योंकि ये एच प्लस देगा तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, और निगेटिव जो होगा यहाँ पर वो रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडिये हाइड्रोजन है ये क्या होगा आपका एसिडिक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एलडीए क्या करेगा, यानी ये नेगेटिव क्या करता है, ये एच प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर आएगा और ये वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इनोलेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी को, और एलआई यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो इसी को बोलते हैं लिथियम इनोलेट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लिथियम इनोलेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका देख रहे हैं यहाँ पर आपका एलाइलिक जो है आपका ब्रोमाइड दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर बीआर है, और उसके बाद क्या है यहाँ, ठीक, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा यहाँ आएगा, और ये क्या करेगा अब यहाँ पे पाई स्टार में, यानी इसके पाई बॉन्ड के क्या होगा, पाई एस्ट्रिक में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जिससे क्या होगा ये बॉन्ड इधर जाएगा और बीआर को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर देख रहे हैं तो 1, 2, 3 कार्बन है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, तो थर्ड कार्बन पे और सेकंड कार्बन के बिटवीन क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कह सकते हैं ए प्रोडक्ट। ठीक है, ए प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें अगर ऑप्शन में आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो क्या है आपका ए प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है इस टाइप का। और इसमें देखिए यहाँ पर भी आपको नहीं मिल रहा, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्या किया है एडिशन, बिना एलडीए क्या किया, एलडीए का कोई वर्क ही नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं कैसे क्या किया है, ये अटैक करा दिया है। ठीक है, यहाँ पर ठीक, तो ऐसा तो होगा नहीं, यानी यहाँ पर देख रहे हैं सी में अगर देखें तो ए भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और उसके बाद डी में भी देखें तो ऑप्शन यहाँ भी नहीं मिला। यानी इस क्वेश्चन में बहुत ही ईजी दिया हुआ था कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं और वो मिल जाता है तो आपका सेकेंड ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका यहाँ पे है पीडी है, फिर भी चेक करते हैं आगे क्या होगा, यानी पीडी है, उसके बाद Cl2 है, उसके बाद O2 है, और ये Cu है, Cl है, और इसके बाद क्या है DMF है। ठीक है, तो DMF और उसके बाद H2O दिया हुआ। तो ये जानते हैं कि ये वेकर जो है वेकर प्रोसेस है, यानी वेकर ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है उसमें आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसमें पढ़े होंगे वेकर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें जो है प्रोसीजर होता है कुछ, ठीक है, कि अगर आपका एलाइलिक कह सकते हैं कि अगर आपका एल्कीन है, इथीन है, इथीन का आप क्या कर रहे हो ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। अगर आप सब्स्टिट्यूटेड जो है आप सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले रहे हो और उसका वाकर प्रोसेस यानी वाकर ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो उस केस में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो है इतने रेजेंट्स को हम क्या कहेंगे, वाकर रेजेंट कह सकते हैं, और इस प्रोसेस में क्या होगा इसे वाकर ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब इसे क्या होगा, हमें कीटोन का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये सब्स्टिट्यूटेड है, तो सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, यानी ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे बी प्रोडक्ट मिल गया। अब फिर भी आगे की जो है इसका मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं, हालांकि प्रोडक्ट बना के दिया होता इसके हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं कि इसका और यूज क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ था वो था NaOET था। ठीक है, तो NaOET क्या है आपका एक बेस है, और बेस का काम होता है क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, यानी बेस क्या प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि आपका
सी एच यहाँ पे अगर बात करें तो ये सी एच थ्री है, तो इसको एच और एच, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है और यहाँ पर भी प्रोटॉन है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से अगर प्रोटॉन को आप अब्स्ट्रैक्ट करा रहे हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री कर सकते हैं कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा जो कि स्टेबल होगा, इसलिए क्या करेगा इस यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट जब करेगा तो ये जो होगा ये इधर आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका वो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अब ये यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड है और यहाँ से अगर चेक करें तो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा यहाँ पे, और ये अटैक कर सकता है यहाँ पे करेगा, ठीक है। और ये अटैक करेगा तो क्या होगा 5 मेंबर रिंग का क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग का यहाँ पर क्या हो जाता है फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वो निगेटिव हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए वो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर देखिए इसको हमने क्या कंसीडर किया 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करते हैं 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा पर 2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर सेकंड पे देखें, अगर सेकंड कार्बन पे आप चेक करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि तो क्वेश्चन में क्या दिया होता है, यहाँ पर सेकंड कंडीशन में अगर देखें तो ये थ्री ओ प्लस दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा इसका कह सकते हैं ये थ्री ओ प्लस क्या करेगा प्रोटॉन देगा यानी एच प्लस देगा, और ये हो जाएगा ओ एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या था आपका 6 मेंबर रिंग था, और इसके साथ जुड़ा हुआ था आपका 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ था, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओ एच हो गया, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा ओ एच हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी डिहाइड्रेशन कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा आपका 5 मेंबर रिंग और जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं, और तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी आते हैं, कुछ जो है आपको कंडीशंस तो आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।